नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरा YouTube चैनल GKO आर्ट में। तो दोस्तों, आज का जो पेंटिंग है वो है रियलिस्टिक डॉग पेंटिंग। और जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो कलर मैंने लिया है वो है येलो ऑकर, और मैंने बिल्कुल फेस के साथ स्टार्ट किया है और बीच बीच में मैं व्हाइट जो एरिया है वो छोड़ते हुए जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि हाईलाइट दिखाना ज़रूरी है। तो उस एरिया को छोड़ते हुए मैं बाकी एरिया जो है उस पर येलो ऑकर कलर को अप्लाई करते हुए जा रहा हूँ। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको पहले ही कलर को प्रेशर के साथ अप्लाई नहीं करना, आपको पहले हल्के हाथों से कलर करना है और धीरे धीरे आपको डार्क करते हुए जाना है। तो दोस्तों, फेस पर मैंने यूज़ किया था थोड़ा सा व्हाइट और थोड़ा सा मैंने आँखों के सामने यूज़ किया था फ्लैश टिंट। तो उसके बाद मैं नाक के आसपास का एरिया कलर कर रहा हूँ, और जो कलर मैंने लिया है वो है व्हाइट। और दोस्तों, अभी मैंने लिया है थोड़ा सा ऑरेंज, और ऑरेंज को भी मैं बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी मैंने लिया है ब्राउन, और जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शेडो दिखाना है या थोड़ा सा डार्क करना है, वहाँ पे मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं आँखों के सामने, कान के पास, और अभी मैं कलर को ब्लेंड करूँगा फिंगर की मदद से। और ब्लेंड भी आपको दोस्तों बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ करना है, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना। और अभी मैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ब्राउन डार्क करना चाहिए, वहाँ पे मैं ब्राउन कलर को फिर से अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, और लाइट एंड शेडो का बहुत ही ध्यान रखना है कि कहाँ आपको लाइट रखना है, कहाँ आपको डार्क रखना है। और मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से। दोस्तों, उसके बाद मैंने बॉडी पर जो कलर मैंने लिया है करने के लिए वो है ग्रे, और साथ ही साथ मैंने यूज़ किया है व्हाइट। और जैसे कि देख सकते हो दोस्तों कि मैं नाक के अंदर और आँखों के अंदर पहले ग्रे कलर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे ब्लैक कलर का यूज़ करना है। तो डायरेक्ट ब्लैक यूज़ ना करना ही अच्छा है, आप कोई कलर पहले अप्लाई कर लो, उसके ऊपर आप ब्लैक कलर का अप्लाई कर लो, तो इससे देखने में भी अच्छा लगता है। और दोस्तों, कपड़ा का जो नीचे पोर्शन है उस पर मैं कलर कर रहा हूँ फ्लैश टिंट, और बहुत ही हल्के हाथों से। और अभी मैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शेडो दिखाना है, वहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्राउन कपड़े पे, और ब्लेंड कर रहा हूँ फिंगर्स की मदद से। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ नाक पर ब्लैक। दोस्तों, पहले मैं पेस्टल का जो ब्लैक है वो यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा चारकोल पेंसिल। आप चाहो तो आप डायरेक्ट चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है, आप ग्लास मार्किंग पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ब्लैक कलर यूज़ करने के बाद और चारकोल पेंसिल से आँख और नाक करने के बाद मैं बैकग्राउंड पर कलर कर रहा हूँ, और जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्लैक। और मैं सिर्फ ब्लैक ही यूज़ करूँगा बैकग्राउंड पे, क्योंकि मुझे डार्क इफ़ेक्ट चाहिए बैकग्राउंड पे, तो इसलिए मैंने सिर्फ ब्लैक कलर का यूज़ किया। तो दोस्तों, ये रहा आज का पेंटिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं फिर आऊँगा किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।
है।